देखिए, नवरात्रि में श्रद्धालु 9 दिन तक उपवास कर माँ की आराधना करते हैं। कुछ लोग बिना कुछ खाए पिए उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग फलाहार करते हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इंदौर से किचन की महारानी के नाम से मशहूर किरण भार्गव के किचन में और जानते हैं कि नवरात्रि में अलग अलग फलाहार कैसे बनाए जाते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज और फलाहारी व्यंजनों के स्पेशल मेन्यू में आज हमें मिलने वाला है सीखने के लिए फलाहारी अरबी और राजगिरे के आटे की पूड़ी, इसी के साथ दही के आलू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, दही, ये कश्मीरी मिर्च, तो जीरा है, अपना हरा धनिया, थोड़ी सी चीनी डालूंगी मैं, सेंधा नमक है और अपना करी पत्ता। बस इतने से हमारे दही वाले आलू बनने वाले हैं। अब मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो रहा है तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के में हम पहले ये 3 चीजें डालेंगे। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तेल में मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद में मैं इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च, हरी मिर्च हम हमारे टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हरी मिर्च हमारी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद में इसमें हम दही डाल देंगे। अब दही डाल करके आप इसे लगातार चलाते रहिए, नहीं तो दही फट जाता है। इसके बावजूद भी अभी यदि आपको डर लगता है तो आप दही में 1 चम्मच कोई भी फलाहारी आटा मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसमें उबले हुए आलू डालूंगी। अब चूंकि थोड़ी सी हम ये ग्रेवी वाली बनाने वाले हैं, यदि आपको ज्यादा रिच टेस्ट चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा काजू का पाउडर डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून मावा डाल सकते हैं, मावा नहीं हो तो आप 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। हम पानी लेते हैं और इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ाने के लिए हम पानी डाल देते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक मैं हमेशा ग्रेवी की सब्जी में लास्ट में डालना पसंद करती हूँ। तो लीजिए, हमारी दही वाले आलू की सब्जी रेडी हो गई है। अब हम साथ में राजगिरे के आटे की पूड़ी बनाएंगे। उसमें मैं आपको अरबी मिक्स करके बताऊंगी। अरबी बहुत ही टेस्टी लगती है और जो राजगिरे का आटा और अरबी का कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया रहेगा वो। तो ये मैंने 1 बाउल राजगिरे का आटा लिया, आप चाहें तो कुट्टू का ले लें, आप चाहें तो सिंघाड़े का ले लें, अरबी में मिक्स कर लेंगे। आलू लिया तो आलू में मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके। आटा हमारा रेडी हो रहा है, तब तक हमने तेल गरम करने रख दिया है। आटा अच्छे से रेडी हो जाएगा तो पूड़ियां हमारी आराम से बन जाएंगी। हाँ, अब देखते हैं हम आटा हमारा रेडी हो गया है क्या। हाँ, आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम हल्का सा हाथ में तेल लगा लेंगे। अब हम बिल्कुल इसके छोटे छोटे से ऐसे बॉल लेंगे, पूड़ी बना लेते हैं। तेल गरम करके इसमें हमने पूड़ी बनने के लिए रख दी है। कलर भी देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है इसका, क्योंकि इसमें हमने अरबी डाली है और अरबी से ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो आप ये पूड़ी बनाएं, देखिए ये पूड़ी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियां बना करके रख लेते हैं। पूड़ी रेडी हो गई है हमारी, कितनी सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर की पूड़ी लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो ये लीजिए, आपकी पूड़ी रेडी हो गई है, गर्मा गर्म फलाहारी सब्जी पूड़ी का आनंद लीजिए। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मानना पड़ेगा, मतलब मुझे लगता है हमारे दर्शक यदि घर पर बनाएंगे तो वाकई में वो फैन हो जाएंगे आपके भी, जैसे मैं हूँ। थैंक यू। तो इस रेसिपी को जब भी आपका उपवास हो, खासकर नवरात्रों में, जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र मकवानी के साथ साक्षी शर्मा, बंसल न्यूज, इंदौर।